जस्ट वाव, फेस्टिवल स्पेशल काबली चने की बिल्कुल नई रेसिपी। वाव, नमस्कार, मैं अभिलाषा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अभिलाषा किचन क्वीन चैनल पे। तो आज मैं आप सभी के सामने बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी लेकर आई हूँ, चना चिल्ली, काबली चिल्ली भी बोल सकते हैं। अगर सब्जियाँ खा खा कर आप बोर हो गए हो तो इस तरह से एक बार काबली चिल्ली बना कर देखें, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में। बिल्कुल आपको लगेगा कि पनीर का जैसा सब्जी खाते हैं उस टाइप से छोला चिल्ली लगेगा। तो चलिए मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप छोले को रात भर भिगो दिया था 6 से 7 घंटे के लिए। तो देखिए हो गया है, काबली फूल चुका है। तो अब मैं इसे डालूंगी कुकर में। तो देखिए कुकर में मैंने डाल दिया, इसमें डालूंगी मैं 1/2 चम्मच नमक और पानी डाल दूंगी 1 कटोरी। ऐसे कुकर को बंद करके मैं गैस पर चढ़ा देती हूँ और 1 सीटी आने दूंगी हाई फ्लेम पे। उसके बाद गैस को लो कर दूंगी 2 मिनट के लिए। इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, ओवर कुक नहीं करना, बस इतना कि पक जाए। तो चलिए मैं इसे गैस पर चढ़ा देती हूँ। तो देखिए काबली को मैंने उबाल लिया है, इस तरह से पक चुका है, बहुत हाई कुक नहीं किया है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी, यहाँ पे मैंने 3 चम्मच के लगभग कॉर्नफ्लोर लिया है, इसे मैं इसमें डाल दूंगी और डालकर इसे अच्छे से मिला दूंगी इस तरह से, अच्छे से कोटिंग हो जाए। और मिलाने के बाद 10 मिनट के लिए इसे सेट होने के लिए छोड़ दूंगी ताकि अच्छे से मिल जाए इस तरह से। और यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज के प्याज लिए थे, जिससे इस तरह स्लाइसेस निकाल लिए हैं मैंने। यहाँ पे 2 मैंने शिमला मिर्च लिया था, उसे भी मैंने बारीक इस तरह से कट कर लिया है, देख रहे हैं। यहाँ पे मैंने 8 से 10 लहसुन की कलियाँ ली थी, उसे मैंने बारीक कट कर लिया है। यहाँ पे अदरक लिया है, इसे इस तरह से घस लिया, आप चाहे तो कट करके भी डाल सकते हैं। यहाँ पे कुछ मैंने करी पत्ते लिए हैं और यहाँ पे मैंने 3-4 हरी मिर्च लिए हैं। आप अब तीखा अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने गैस पे एक पैन ले लिया, पैन में मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल पूरी तरह से अच्छे से गर्म होना चाहिए, जैसे फ्राई करना है काबली को इस तरह से। तो इस फेस्टिवल, अब दिवाली आ रहा है या किसी फेस्टिवल में, इसे बनाकर आप जरूर खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और थोड़ा अलग टाइप से हो जाएगा काबली चिल्ली, तो आप जरूर ट्राई करें इस तरह से। और मेरा पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए, तभी आपको पता चलेगा कि मैंने कैसे बनाया है इतना स्वादिष्ट। देखिए काबली मेरा सेट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच और कॉर्नफ्लोर लिया है, इसमें मैंने 1/2 चम्मच गोल मिर्च पाउडर डाला है और 1/2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें 3 से 4 चम्मच पानी डालकर मैं स्लरी तैयार कर लेती हूँ। देखिए स्लरी मैंने तैयार कर लिया इस तरह से, इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालकर अच्छे से मिला दूंगी। तो देखिए अच्छे से मैंने मिला दिया है, इधर मेरा ऑयल भी गर्म हो चुका है। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके क्रिस्पी कर लूंगी इस तरह से डाल के, अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। गैस को मीडियम फ्लेम पर देती हूँ, तेल बहुत गर्म है। अच्छी तरह से काबली को डाल के क्रिस्पी कर लूंगी चलाते हुए। देखिए गैस को मैंने फिर से हाई फ्लेम कर दिया है, देखने मैंने लो टू मीडियम किया था, कितने अच्छे से क्रिस्पी क्रंची हो गया है। बहुत ज़्यादा इसको लाल नहीं करना, बस हल्का लाल करना है। तो ये हो गया, मैं इसे निकाल लेती हूँ। और निकालने का सेम प्रोसेस से बाकी जो बचे हुए हैं उसे भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो देखिए कितने अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया सारे काबली को, एकदम क्रिस्पी। मैंने काबली निकाल ली है फ्राई करके। तो इस पैन को मैं हटा देती हूँ और दूसरा पैन चढ़ा देती हूँ। आप चाहे तो सेम पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं दूसरे पैन में बनाऊंगी। तो देखिए दूसरा पैन मैंने ले लिया है, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया, देख रहे हैं 2 चम्मच, अच्छे से गर्म हो गया। तो अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन जो मैंने बारीक कट करके रखा था इस तरह से, 1 से 2 सेकंड मैं इसे भूनूंगी। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी, मैंने यहाँ पे अदरक लिया था और करी पत्ता, ये सभी को अच्छा डाल दूंगी, डालकर अच्छे से मिला दूंगी। इसे 3 से 4 सेकंड के लिए पकाऊंगी ताकि अच्छे से लहसुन अदरक पक जाए, कच्चापन इसका दूर हो जाए। इसे चलाते हुए मैं पका लूंगी। देखिए दिखने में लग रहा है ना, भी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा।
बाद जब बन कर तैयार होगा आप देखेंगे तब जरूर एक बार ट्राई करेंगे, बिल्कुल अलग टाइप का ये सब्जी बनकर तैयार होगा काबली चिल्ली। आपने चिल्ली तो बहुत तरह से खाए होंगे लेकिन इस तरह से शायद आपने नहीं बनाया होगा। तो देखिए लहसुन अदरक पक गया, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी हरी मिर्च, इसे मिला लूँगी। मिलाने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज जो मैंने स्लाइसेस निकाल कर रखे थे, डालकर इसे भी अच्छे से मिला लूँगी 1 से 2 सेकेंड के लिए। 2 सेकेंड हो गया, अब मैं इसमें ऐड करूँगी शिमला मिर्च, इसको मैंने कट करके रखा था, ऐसे भी अच्छे से मिला दूँगी। 1 मिनट हो दोनों को साथ में भूनूँगी, शिमला मिर्च बहुत जल्दी पक जाते हैं, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, इसे मिलाते हुए 1 मिनट में पकाऊँगी। देखिए 1 मिनट हो गया शिमला मिर्च प्याज पकाते हुए, तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी, यहाँ पर मैंने लिया है 1 चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच नमक। नमक अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने काबली में भी डाला था उबाल के समय 1/2 चम्मच, तो नमक ध्यान में रखते हुए अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा करें। और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आपको तीखा कम पसंद हो तो आप कम कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हरा मिर्च भी मैंने डाला है। और अब मैं डाल दूँगी 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये तीखा नहीं होता है, कलर के लिए मैं डाल दूँगी। ये लोग डाल कर थोड़ी देर से ही मिला लूँगी। देखिए इसे ही मैंने मिला लिया है मिर्च पाउडर नमक को, इतना अच्छा कलर लग रहा है देखने में। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सॉसेस, यहाँ पर मैंने सॉस लिया है 2 चम्मच, मैंने लिया है टोमेटो सॉस, 1.5 चम्मच के लगभग मैंने लिया है चिली सॉस, 1 चम्मच मैंने लिया है सोया सॉस, और 1 चम्मच मैंने लिया है वाइट विनेगर, और 1/2 चम्मच मैंने लिया है गोल मिर्च पाउडर, तो इसे मैं इसमें डाल दूँगी तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और सारे सॉस को मैं डाल दूँगी, विनेगर लास्ट में डालूँगी, नहीं तभी डालूँगी तो इसका स्वाद ख़राब हो जाएगा, चिल्ली का तीखा आ जाएगा, इसलिए विनेगर मैं लास्ट में डालूँगी। चिली सॉस, टोमेटो सॉस और सोया सॉस मैंने डाल दिया, इसे मिला दूँगी इस तरह से, थोड़ा सा इसे पकने दूँगी सॉस को। देखिए कितने अच्छे से सॉस बॉयल आ गया है उबाल। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी, तो मैं 1/2 कटोरी के लगभग पानी ऐड कर रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा, अगर आपको ड्राई बनाना हो तो कम पानी का इस्तेमाल करें। मैं थोड़ा सा लटपट बना रही हूँ, 1/2 कटोरी मैंने पानी डाला है इस तरह से। अब इसमें एक बॉयल आने दूंगी, गैस को हाई फ्लेम मैंने कर दिया है, देख रहे कितना अच्छा कलर आया है चिली का। तो एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए इस दिवाली, आपको बहुत पसंद आएगा, आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगा इस तरह से काबली चिल्ली, और थोड़ा सा अलग टाइप से भी हो जाएगा सब्जी। हमेशा एक ही तरह से बना बना कर आप अगर बोर हो गए होंगे तो इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है, और इसे आप किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं, बहुत इजली बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, पूरी पराठे रोटी किसी चीज़ के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से उबाल आ गया है, यहाँ पर मैंने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर घोल कर रखा है, जिसमें मैंने स्लरी बनाया था उसी बॉल में मैं बनाई हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी इस तरह से ताकि ग्रेवी थोड़ा सी गाढ़ी हो जाए, देख रहे कितना अच्छा से गाढ़ा हो गया है। देखिए इसमें बॉयल आ गया है, तो मैं अब इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल रही हूँ, जिसे हाथों के बीच से मैंने मसल कर रखा था, इसे अच्छे से मिला देती हूँ, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, आपके पास ना हो तो स्किप कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने काबले को फ्राई करके रखा था, इसे ऐड कर दूँगी इसमें। देखिए काबली को मैंने ऐड कर दिया है, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, ये देख रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने 1 चम्मच विनेगर लिया था, और इसे अच्छे से मिला दूँगी। अब मिलाने के बाद मैं इसमें गार्निश कर दूँगी धनिया पत्ते से। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझसे किसी भी रेसिपी के बारे में पूछ सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मैंने गार्निश कर दिया धनिया पत्ते से, तो देख रहे हैं इस तरह से। आप जरूर इस दिवाली ट्राई करें, बहुत ही पसंद आएगा। आप सभी का मेरे चैनल अभिलाषा किचन क्वीन पर विजिट करने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जस्ट वाव, अमेजिंग, डिलीशियस।